हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, लाल वाले बटन दबा कर और बेल आइकन को ज़रूर दबा दे ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए देखते हैं, बेल आइकन ज़रूर दबाइए क्योंकि वीडियो उसी से जल्दी मिलता है। चलिए तो देखते हैं RRB NTPC 2019 का CBT 1 का, जो आपको कुछ ये 40 सेट रोज आएगा, 40 सेट नहीं, 40 क्वेश्चन का सेट आएगा। ठीक है, इसमें देख लेते हैं कि सामान्य जागरूकता जो होगा, जनरल अवेयरनेस में क्या क्या यहाँ पर हम देखिए क्वेश्चन सेट किए हुए हैं, आप देख सकते हैं, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो इसकी कुछ विशेषता आज बता देते हैं। ठीक है, ये देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा 40 होगा। आप टाइम 20 मिनट, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 20 मिनट दे सकते हैं, 20 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है इसमें, और बाकी टाइम जो है मैथ रीजनिंग में देना है। यह बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित हैं और वे प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। ठीक है, और इसमें GK के साथ साथ करेंट अफेयर्स भी है और इसमें कंप्यूटर का भी प्रश्न है, तो इसमें कंप्यूटर का भी प्रश्न है और रोज़ सेट प्रैक्टिस होगा। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा कुछ लुक, सुपर स्टडी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। चलिए तो क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, सेट 1 है ये। ठीक है, ऐसे ही रोज सेट आएगा और हिंदी और इंग्लिश में होगा दोनों, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन कैसा सेट किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन हर क्षेत्र से मिलेगा आपका, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, फिजिक्स केमिस्ट्री, सभी क्षेत्र से, और करेंट अफेयर भी मिलेगा आपको इसमें से। तो चलिए, और इस सेट को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहीं से सेट मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है पहला कि निम्नलिखित में कौन सा खाद्य की अवधारणा सुरक्षा प्रणाली है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्सेप्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी सिस्टम। तो ये जो होता है बफर स्टॉक जो होता है, खाद्य की अवधारणा सुरक्षा जो होता है सिक्योरिटी सिस्टम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्वीकृत औसत कैलोरी क्या है भारत ग्रामीण क्षेत्र के लिए, व्हाट इज़ द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट फॉर रूरल एरिया इन इंडिया। तो ये जो होता है 2400 कैलोरी जो होता है आपका रूरल ग्रामीण क्षेत्र के लिए और लगभग 2300 शहरी क्षेत्र के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका नियो माल्थुस थ्योरी के साथ जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, तो ये होता है रिसोर्सेस स्कर्सिटी, जो संसाधन की कमी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा कि 10 क्वेश्चन लगभग आपको शुरू में हम यहाँ पर सेट किए हुए हैं इकोनॉमिक्स से। ठीक है, इकोनॉमिक्स देखिए और उसके बाद सभी क्वेश्चन आएंगे धीरे धीरे, 10 क्वेश्चन नहीं आएंगे, 5 से 7 के बीच में सभी चीज़ से क्वेश्चन आएंगे, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो। चलिए चलिए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आपका निम्नलिखित को मिलान करें सेक्टर 1। ठीक है, सेक्टर का तो प्राथमिक में जो आता है कृषि क्षेत्र से आता है, तो ये आपका मधुमक्खी पालन भी उसी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र में मधुमक्खी पालन, और तृतीयक में जो होता है आपका द्वितीयक यहाँ पर दिया। ठीक है, इसका उत्तर 1 होगा, क होगा। ठीक है, 1 का बी होगा, 2 का सी, अर्थात द्वितीयक में जो होगा आपका जूते करखा उद्योग धंधा होता है, और ठीक है तृतीय सेवा क्षेत्र होता है आपका कंसल्टेंसी। ठीक है, तो इसका जो है 4 का आंसर होगा 1 होगा। आप इंग्लिश वाले भी क्वेश्चन देखते रहे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस बाजार के रूप में एक बाजार या एक उद्योग एक एकल विक्रेता का प्रभुत्व है। ठीक है, इन विच मार्केट फ्रॉम ए मार्केट और एन इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय ए सिंगल सेलर। तो इसका जो आपका एकाधिकार कहलाता है, मोनोपोली कहलाता है। ठीक है, जिसमें एक ही क्रेता और विक्रेता दोनों, अर्थात एक ही एकल विक्रेता का प्रभुत्व। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 6 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे एक भी माना जाता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी को और कौन सा बेरोजगारी माना जाता है। तो आपका ये मौसमी बेरोजगारी भी कहा जाता है। ठीक है, बेरोजगारी यहाँ पर दे दिया गया आंसर। ठीक है, इसका जो आंसर होगा मौसमी बेरोजगारी होगा, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी किसने दी थी, हु गेव द जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी। तो ये कौन दिया था, तो ये आपका लियोन वालरस ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, कौन सा मांग पत्र सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डिमांड ड्राफ्ट। तो ये 8 का जो आंसर होगा आपका सी होगा, इट मे बी डिसऑर्ड फॉर ए लैक ऑफ फंड्स। ठीक है, या धन की कमी के लिए बदनाम हो सकता है, यह जो है मांग पत्र नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में किसने अद्वैतावाद दिया,
संप्रभुता का सिद्धांत, ठीक है, हु एमंग द फ्लोइंग गेव मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी, तो ये आपका किसने दिया था, तो 9 का जो आंसर होगा आपका ए होगा, ऑस्टिन ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बचत के संबंध में निर्णय कौन लेता है, तो और स्वयं सहायता समूह SHG में ऋण गतिविधियाँ के लिए, ठीक है, तो हु टेक्स द डिसीजन रिगार्डिंग द सेविंग एंड लोन्स एक्टिविटीज इन सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, SHG का फुल फॉर्म होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो ये 10 का जो आंसर होगा आपका सी होगा, समूह के सदस्य। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सूची में नहीं है, महारत्न की सूची में नहीं है, विच एमोंगेस्ट द फ्लोइंग इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ महारत्न, महारत्न की कंपनियां जो होती हैं उसमें कौन सी नहीं है, तो आपका ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है अभी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कितने मूल कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में वर्णित, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका जो आंसर होगा आपका डी होगा, 11 जो है आपका मूल कर्तव्य है, और मूल कर्तव्य जो आपका मूल कर्तव्य जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है, इससे 11 होगा इसका। 13 देखते हैं, भारत के संविधान के भाग 4 के साथ संबंधित निम्न में से कौन से है, तो ये पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये जो डील्स करता है राज्य के नीति निर्देशक तो सिद्धांत के, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट देखते हैं, 14, निम्नलिखित में कौन से घटक भारतीय संसद, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंस्टिट्यूएंट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, तो कौन कौन है आपका, तीनों है, राष्ट्रपति, राज्य परिषद जिसको राज्यसभा बोलते हैं, और लोकसभा, ठीक है, तो ये तीनों होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन कार्यकारी प्रमुख है भारत में राज्य का, राज्य का जो कार्यकारी प्रमुख होता है वो कौन होता है, तो कार्यकारी प्रमुख जो होता है आपका राष्ट्रपति ही होता है। हु एमंग द फॉलोइंग इज द एग्जीक्यूटिव हेड, ठीक है, तो ये आपका प्रेसिडेंट ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है, ठीक है, इंडिया में जो राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है, हु एडमिनिस्ट्रेट द ऑथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये आपका जो आंसर होगा भारत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI दिलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राजा के दरबारी कवि का नाम क्या है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ द कोर्ट पोएट ऑफ किंग हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन के पर क्वेश्चन थोड़ा मिस, यहाँ पर टाइपिंग गलत हो गया, ठीक है, यहाँ पर देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द कोर्ट पोएट ऑफ किंग हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के राज्य का जो आपका किस दरबारी कवि था, ठीक है, हर्षवर्धन जो था किसका राज्य दरबारी कवि था, तो आपका जो 17 का जो आंसर होगा आपका बी होगा, वाणभट्ट। अर्थात हर्षवर्धन के, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि हर्षवर्धन जो राजा थे उनके जो राष्ट्र कवि थे कोर्ट के कवि, ठीक है, तो कौन थे, तो वाणभट्ट थे। नेक्स्ट देखते हैं, किस युद्ध में सिराजुद्दौला को हराया गया था लॉर्ड क्लाइव द्वारा, इन विच बैटल वाज सिराजुद्दौला डिफेटेड, तो ये आपका प्लासी की लड़ाई जो हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी, उसी में हराया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टुडरमल प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे कौन सा मुगल सम्राट के, टुडरमल वाज द फेमस रिवेन्यू मिनिस्टर ऑफ विच मुगल एम्परर, तो ये आपका जो आंसर होगा अकबर, सी। नेक्स्ट देखते हैं, तराइन की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी किसके बीच, द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन वाज फाउट बिटवीन, तो ये आपका डी होगा, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सहायक कली किस पदार्थ में विकसित होती है, आपका हिस्ट्री ऊपर में ख़त्म हो गया, पॉलिटी भी ख़त्म हो गया, और आपका जियोग्राफी अभी बाकी है, चलिए देख ले, बायोलॉजी से भी क्वेश्चन उठाए हैं, तो आपको देखिए हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा इसमें। सहायक कली किस पदार्थ में विकसित होती है, या अर्थात कौन से पौधे के भाग में, एक्सिलरी वर्ड डेवलप्स इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट, तो ये जो होता है आपका शाखा रूट्स में है, ब्रांच में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जाइलम किसके परिवहन में मदद करता है, तो जाइलम जो होता है हेल्प्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये जो आपका पोषक पानी का,
ठीक है, जाइलम जल और खनिज लवण ले जाता है, तो पोषक और पानी दोनों इसमें होना चाहिए। ठीक है, जाइलम जो होता है पोषक तत्व भी ले जाता है, खाद्य और पानी, खाद्य नहीं ले जाता है, ठीक है, पोषक तत्व ले जाता है। तो ये आपका वन ही आंसर होगा इसमें, ठीक है, तो आप लोग वन ही आंसर मारिएगा इसमें, वन सॉरी वन बोल रहे हैं, यहाँ पर बी है, ठीक है, यहाँ पर ये छूट गया है, टाइप में कुछ मिस्टेक है, ठीक है, तो यहाँ बी होगा वाटर केवल, और पोषक तत्व तो होता दोनों होता तब मारते, यहाँ पर खाद्य दिया है, ठीक है, खाद्य तो ऊपर से बनकर जो फ्लोएम होता है वो फैलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पौधों के कौन सा भाग हमें सेफर्न देता है, तो विच पार्ट ऑफ प्लांट्स गिव अस सेफर्न, तो ये आपका कलंक जो होता है, स्टिग्मा जिसको कहते हैं, यही जो होता है आपको सेफर्न देता है। नेक्स्ट देखते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नाम क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द चाइना सी, ठीक है, चीन सागर में पूछ रहा है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नाम चीन सागर में क्या होता है कहलाता है, तो ये टाइफून के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा देश नहीं है जो स्कैंडिनेविया का हिस्सा नहीं है, ठीक है, विच अमंग द फ्लोइंग कंट्री इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्कैंडिनेविया, तो ये आपका जो आंसर होगा बी होगा, फिनलैंड। नेक्स्ट देखते हैं, पेंटियम चिप का आविष्कार किसने किया था, तो हु इन्वेंटेड पेंटियम चिप, तो ये आपका विनोद धाम ने जो पेंटियम चिप का आविष्कार किया था। नेक्स्ट देखते हैं, नैदानिक अल्ट्रासाउंड का नेतृत्व किसने किया था, हु पायनियर्ड डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड, तो ये आपका बी होगा, इयान डोनाल्ड, ठीक है, इयान डोनाल्ड ने नैदानिक अल्ट्रासाउंड का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनि की तीव्रता का एसआई इकाई क्या है, तो आपका डेसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लू और ब्लू किस रंग का बनता है, अगर हरा ब्लू और ब्लू किस रंग का बनता है हरा मिलाया जाता है, ब्लू में विच कलर इज़ फॉर्म्ड व्हेन ब्लू एंड ग्रीन आर मिक्स्ड, सॉरी यहाँ पर देखिए ब्लू और ग्रीन को मिक्स करेंगे तो कौन सा कलर होगा, तो 29 का जो आंसर होगा ए होगा, सियान, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया है, व्हाट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा है, तो ये आपका बताना है, तो ये होगा आपका अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, ठीक है, ऊष्मा छेपी इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक का, और एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी फाइलम भी है और फ्लैट वर्म भी कहा जाता है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम आर ऑल्सो कॉल्ड, जो फाइलम है और कॉल्ड फ्लैट वर्म्स, तो ये आपका जो फ्लैटी हेलमिंथ है, जो ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, तो ये होगा, ठीक है, प्लेटी हेलमिंथ। नेक्स्ट देखते हैं, सूत्र औसत वेग में यू प्लस भी बटा टू यू क्या है, इसमें यू पूछ रहा है कि इन द फार्मूला एवरेज वेलोसिटी यू प्लस भी बाई टू यू इज द, तो यू जो होगा आपका प्रारंभिक वेग होता है, यहाँ पर टाइपिंग गलत आंसर हुआ है, ठीक है, यू जो होता है आपका प्रारंभिक वेग होता है और वी जो होगा अंतिम वेग होगा, तो यहाँ पर अंतिम वेग दिया गया है, एक ये आंसर दिया गया, ठीक है, यहाँ सुधार लीजिएगा और पीडीएफ आप लोग मिलेगा, पीडीएफ टेलीग्राम से जुड़िएगा, तो यहाँ पर गलत होगा तो यहाँ पर देख लीजिए, आप ही बता दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आपका प्रारंभिक वेग होगा, ठीक है, ग होगा। नेक्स्ट देखते हैं, MICR का पूर्ण रूप क्या है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MICR, तो MICR का जो होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जो होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। नेक्स्ट देखते हैं, मेमोरी के आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के नाम से जाना जाता है, तो ये आपका सी मेन फ्रेम, बेस्ड ऑन हो साइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द मेमोरी व्हाट काइंड ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज बिग आयरन, ठीक है, तो ये आपका मेन फ्रेम होगा। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 1990 में विकसित किए गए पहले खोज इंजन के नाम बताए, तो खोज इंजन का जो नाम हुए था पहला ये आर्ची था, ठीक है, तो ये पहला सर्च इंजन जो था आर्ची था, और गूगल जो खोजा गया था आपका 4 सितंबर 1998 में इसको स्थापित किया गया और कैलिफोर्निया में स्थापित किया गया था, ठीक है, तो गूगल का तो सबसे पहला जो आया था आपका सर्च इंजन वो 1990 में आया था आर्ची नाम का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सी फाइलम भी है, फ्लैट वर्म्स कहा भी जाता है उसको, तो ये तो
क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। इसमें और देखते हैं यहाँ पर कहाँ तक क्वेश्चन, 35, 35 के बाद यहाँ पर आइए, ये फिर बीच में आ गया है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, 36 देखते हैं क्वेश्चन। हर साल विश्व स्तनपान किस तारीख को सप्ताह मनाया जाता है? ऑन विच डेट एवरी ईयर वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज सेलिब्रेटेड, ठीक है। तो 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में जो होता है ब्रेस्ट फीडिंग डे मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यूनाइटेड नेशन में भारत का रैंक क्या है ये गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स EGDI 2018 में? तो ये आपका आंसर जो होगा इसका सी होगा, 96, ठीक है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द यूनाइटेड नेशंस ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स EGDI 2018? नेक्स्ट देखते हैं, किसी देश ने 2018 ई सरकारी विकास सर्वेक्षण में टॉप किया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन इंग्लिश वाले देखिएगा, इंग्लिश वाले क्योंकि हिंदी वाले में थोड़ा टाइपिंग इधर उधर है। विच कंट्री हैज़ टॉप द 2018 ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट सर्वे? तो जो टॉप पर है आपका ए ई गवर्नमेंट में वो डेनमार्क है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, UAE आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रिज कहाँ सेटअप करने जा रहा है? तो ये जो है नई दिल्ली भारत ही कर रहा है। वेयर डिड UAE आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रिज गोइंग टू सेटअप? तो न्यू दिल्ली होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितनी भारतीय कंपनियों को सूचीबद्ध किया गया है 2018 फॉर्च्यून 500 कंपनियों की सूची में? तो ये आपका जो आंसर होगा 7 जो है भारतीय कंपनियां उसमें सूचीबद्ध है। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पर शेयर करें कि लोग जुड़े, और आप सेट मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़कर ले सकते हैं, और इसी तरह रोज़ सेट आएगा तो आप रोज़ इस चैनल पर बने रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।